देखो स्टार्ट में जब एसी से निकल के आते हैं तब इतना नहीं फील होता। ये फिनिक्स कन्वेंशन सेंटर है, सिम्फनी हॉल। यहाँ पे जो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स के बाहर, ठंडी हवा आती है, तो इतनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ से वैली मेट्रो जाती है, ये उसका पूरा रूट बना हुआ है, कार चलती है और साइड में मेट्रो भी चलती है। अरे शायद पूरे यहीं पे है ना, यहाँ ये से पूरा फिनिक्स में ही है ये। इसका खड़े नहीं हो सकते धूप में, चल सकते हैं। यहाँ से मिलता है वह पास उसका वैली मेट्रो हो गया, चलते हैं फिर देखेंगे। $2 का है, लेकिन अगर आप फुल डे राइड लेते हो ना तो वो $4 की है। फुल डे लेने का फिर ये फ़ायदा है ना कि आप जाओगे तो कहीं वापस भी तो आओगे, तो $4 तो वैसे भी लगेंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा उस रोड पे चलने में आता है इस वाली पे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंकलर से ऐसे पानी आ रहा होता है ना। ये टैको बेल है, हमारा डेली लंच ये है। देखो वो जो मैं बता रही थी ना, इसमें दो तीन चीज़ें ही हैं यहाँ पे। नीचे उतर के क्या पता नहीं, मतलब यही था ना वो फोटो जो मैं दिखा रही थी, नीचे पता नहीं इसमें क्या है। पार्किंग गैराज लिखा था यहाँ पे। मेट्रो बर्गर्स है, और ऊपर चल के देख सकते हैं। यहाँ पे हर जगह बस प्लांट्स में यही मिलेगा, या फिर कैक्टस। मिस 360 ब्रीज ना मिलता। फुटप्रिंट सेंटर, यहाँ पे मैचेस होते हैं। आई थिंक बास्केटबॉल कोर्ट भी है शायद उसके अंदर, बास्केटबॉल टीम्स हैं यहाँ पे बहुत सारी। बात यहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रीज नहीं है, सिर्फ कैक्टस है या फिर छोटे मोटे। नहीं नहीं है क्या यहाँ पे प्लांट्स बड़े। वैली मेट्रो है ना, वो शायद इस रूट से भी जाती है, उसके वैली मेट्रो के जैसे चेस फील्ड स्टॉप है। क्या चेज़ वालों ने स्पॉन्सर किया हुआ है कैसे? नाम उसका वो भी है ना सिंबल। अच्छा, हम देख रहे थे ना वो अंदर, वो ऐसे नहीं जा सकते बिना टिकट के। क्या नाम लिखे हुए हैं नीचे इधर, ये सारे गेट्स से अभी तो ये क्लोज्ड है। यह गेम है, ये टिकट्स काउंटर है। एंट्री नहीं है ना इसमें। किसका है ये? एडोना डायमंड बैग सामने लिखा भी है। खाली पड़ा है क्योंकि इतनी गर्मी है तो ये पूरा खाली है अभी। देखो यहाँ पे स्टूडियो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। या फिर आगे माउंटेन्स हैं, आगे कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा यार, ये वो विंडमिल से चल, मतलब विंड से चल रहा है वो पूरा जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये बैट है वो बॉल को मार रहा है। हाँ, अभी तो ये पूरा डे व्यू देखा है हमने, रात को थोड़ा और अच्छा लगेगा। वैसे आप यहाँ पे ना दिन में रिक्शा ले सकते हैं लोकल टूर के लिए। ये बेसबॉल फील्ड, इस समय यहाँ पे यूवी इंडेक्स 10 चल रहा है, वेरी हाई। यहाँ से पास मिलता है, रिड्यूस्ड फेयर है ये लाइट बस के। लाइट रिड्यूस्ड फेयर ना लिखा है, सीनियर सिटीजन या फिर 6 to 18 एज के लिए। वैसे 1 ride $2 की है, अगर ऑल डे चाहिए तो $4 का एक है, $4 वाला ले लेंगे। मतलब जैसे तुम यहाँ से चल के यहाँ तक आए हो ना, तो तुम्हें चल के आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। टैकोज है,
पे इतना, और इसका जो क्या कहते हैं इसका जो वैसा वाला एरिया है मतलब जहाँ हम रहेंगे वहाँ इतना भी नहीं होगा, वहाँ सिर्फ हाईवे होगा।